अगर आप एक ब्लॉगर हैं तो आपने शायद ये प्रॉब्लम फेस किया होगा जो आज मेरे क्लाइंट ने फेस किया है। उनकी दिक्कत ये थी कि उनको होस्ट गेटवे की तरफ से नोटिफिकेशन आया कि आपकी जो पोर्ट नंबर 465 है एंड 587 है उसको ब्लॉक कर दिया गया है। तो पहले आपको बता देता हूँ कि पोर्ट्स क्या होती है। सिंपल शब्दों में कहूँ तो पोर्ट एक तरह का इनकमिंग और आउटगोइंग वे है, लाइक यू हैव सीन इन योर लैपटॉप और डेस्कटॉप, जहाँ पे आपके पास पोर्ट्स होती हैं जिसके थ्रू आप पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड्स, यू नो, डेटा केबल, इन सब को इंसर्ट करते हैं। सिंपल शब्दों में कहूँ तो अगर आप मोबाइल को चार्ज कर रहे होते हैं तो आप चार्जर की पिन को अपने मोबाइल के चार्जिंग पोर्ट में लगाते हैं। तो वैसे ही सारी होस्टिंग प्रोवाइडर के पास कुछ पोर्ट्स होती हैं जो कि आपकी साइट को अलॉटेड होती है। इन डैट केस क्या होता है कि अगर आपकी साइट के ऊपर कुछ मैलिशियस फाइल्स आ जाएं तो इन डैट केस जो आपकी होस्टिंग प्रोवाइडर है उन सारे पोर्ट्स को बंद कर देता है, क्योंकि उनको अपनी सिक्योरिटी जो है बहुत प्यारी होती है। तो जस्ट टू सिक्योर अदर साइट्स ऑन डैट पोर्ट्स जो कि रनिंग है, बिकॉज यू नो आजकल लोग जो है वो शेयर्ड होस्टिंग यूज करते हैं, एंड इन डैट केस सिमिलर मशीन, सिमिलर सेक्शन ऑफ द आई कैन से डेटाबेस सबके लिए यूज हो रहा होता है। तो ऐसे केस में अगर एक साइट इन्फेक्ट होती है तो चांसेस होती हैं कि दूसरी साइट भी इन्फेक्ट हो जाए। एंड अगर आपकी पोर्ट्स ब्लॉक करता है कोई भी होस्टिंग प्रोवाइडर, लाइक मेरे क्लाइंट हैं संतोष, उनकी जो साइट है hiregadget.in, उनके लिए जो पोर्ट्स ब्लॉक हुई हैं वह है पोर्ट नंबर 465 एंड 587। दीज आर आउटबाउंड पोर्ट्स, ये इनबाउंड भी हो सकती है। तो उनका यह कहना था कि आपके साइट पे कुछ ऐसी फाइल्स हैं जो मैलिशियस लगती है उनको, इसीलिए उन्होंने इनकी साइट की जो पोर्ट्स हैं उनकी ब्लॉक कर दी। और जब पोर्ट ब्लॉक की उससे साइट जो है वो डाउन हो गया एंड पीपल आर गेटिंग HTTP एरर 500। सो अगर मुझे इस एरर को ओवरकम करना है, इस एरर को हटाना है, देन मुझे जाना पड़ेगा अपने सी पैनल में एंड वहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शन है। तो यू कैन सी हियर, यहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड यू कैन सी लाइक कि देर आर ऑप्शंस दैट क्लिक हियर टू चेक वेदर योर पोर्ट्स आर ब्लॉक्ड और नॉट। तो अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मुझे ये पेज दिखती है जहाँ पे ये नोटिफिकेशन आ रही है, नाउ योर आउटबाउंड पोर्ट 465 एंड 487 इज ओपन, सो वी आर गुड टू गो नाउ। अब मैं अपनी साइट को लोड करूँ तो वो ओपन होगी। पहले क्या था कि पहले मुझे ये पेज दिख रही थी जहाँ पे उन्होंने कहा था कि ब्लॉक कर रखा है, नीचे का ऑप्शन था अनब्लॉक करने का, बट उन्होंने मेंशन भी कर रखा है कि बिफोर अनब्लॉकिंग आपको जितनी भी फाइल्स मैंने मेंशन कर रखे हैं उन सबको डिलीट करना है। तो व्हाट आई हैव डिड, आई हैव गॉन टू माय सी पैनल, देन उसके बाद मैं नेविगेट किया फाइल मैनेजर के ऊपर, यहाँ पे गो टू public.html फोल्डर एंड आपको उन सारे फाइल्स को फाइंड आउट करने हैं जो उन्होंने मेंशन कर रखा है। लाइक इन माय केस इन public.html वी हैव hiregadget फोल्डर एंड अंडर दैट वी हैव सम बैकअप फाइल्स, सो आई केम हियर, यहाँ पे कोई भी hiregadget नहीं है बिकॉज मैंने उनको डिलीट कर दिया है एंड दैट फाइल इज नाउ इन ट्रैश। तो मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको भी अगर ऐसी कोई एरर आती है तो आप उनको इस तरीके से हटा सकते हैं। सो देखिए ये थी फोल्डर hiregadget और इसके अंदर कुछ फाइल्स पड़ी थी इस तरह से बैकअप वाली, जिसको मैंने डिलीट कर दिया है। एंड बिफोर डिलीटिंग यू कैन टेक अ बैकअप एज वेल, क्योंकि आपको नहीं पता उस फाइल के अंदर क्या है। सो बेटर है अगर आप साइट खुद मैनेज करते हैं देन तो आप डिलीट कर सकते हो, आपको पता है आपकी फाइल्स के अंदर क्या है, बट अगर आपकी साइट आपका डेवलपर मैनेज करता है इन दैट केस बेटर है कि आप एक बैकअप ले लें और उससे कंसल्ट कर लें। ओके, सो दिस वॉज अ वीडियो फॉर नाउ। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपकी कोई भी पोर्ट ब्लॉक होती है तो उसको कैसे अनब्लॉक करना है। एंड आफ्टर अनब्लॉकिंग यू कैन डू वन थिंग एज वेल, जस्ट कम टू योर सी पैनल एंड वहाँ पे आने के बाद जस्ट एक चीज़ सर्च करिए, वो है पोर्ट, एंड यू कैन सी दैट वी हैव ऑप्शन पोर्ट ब्लॉक चेक, जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आपकी कोई पोर्ट ब्लॉक तो नहीं है। अगर ब्लॉक है तो उसको आप अनब्लॉक करा लें, अदरवाइज आपकी साइट के ऊपर एरर्स आएंगे और मे भी आपका साइट डाउन चला जाए जैसे मेरे क्लाइंट का गया। लेट मी रिफ्रेश इट वंस, आई थिंक ये आ गया होगा, अगर नहीं आता तो इट विल टेक सम टाइम एंड उसके बाद साइट जो है वापस से लाइव हो जाएगी। वेटिंग स्टिल लोडिंग। एंड फ्रेंड्स, जो SEO की वीडियोज़ है वो कंटिन्यूसली आ रही है, सो आप जाइए और SEO की वीडियोज़ देखिए। एंड आई थिंक जब तक आप ये वीडियो देखेंगे ये साइट लाइव हो चुकी होंगी। सो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट अबाउट दैट, आई विल गारंटी दैट आई विल आंसर दोज क्वेश्चन। एंड इफ यू वॉन्ट टू कॉन्टैक्ट मी देन मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है दैट इज़ ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। So thanks for watching this video. Namaskar, Jai Hind, keep loving, keep supporting
and keep spreading the love outside. Thank you so much.